और यहीं पर भारत के युवा की, क्या पूरे विश्व के युवा की बर्बादी की पहली सीढ़ी शुरू होती है। तो हमारे अटेंशन से वो पैसा कमाते हैं, उनकी जेबें भरती है सरन मैम, हमारा और हमारे बच्चों का क्या हाल होता है? ये लिमिटेड मेमोरी है, इसमें गंदगी भर के, अश्लीलता भर के, नग्नता भर के, ओवर इन्फॉर्मेशन भर के फिर बच्चा कैसे पढ़ेगा? फिर जब जब हम सेमिनार करने जाते हैं स्कूलों में तो बच्चे शिकायत करते हैं, पढ़ने बैठते हैं पर मन नहीं लगता, मन भटकता है, एग्जाम आते हैं पर डर लगता है, तैयारी नहीं होगी तो डर ही लगेगा ना, पढ़ने बैठोगे तो मन ही भटकेगा ना। आपने अगर रात को प्याज खाया है या आलू मटर खाया है तो सुबह उसी की डकार आएगी या लौकी की और टिंडे की आएगी? जो खाया है उसी की डकार आएगी ना सरन मैम, बात सही है कि नहीं? जब हमारा बच्चा या आप भी 5 घंटे 4 घंटे रील पे रील, शॉर्ट्स पे शॉर्ट देख रहे होंगे तो फिर जब काम करने बैठोगे, पढ़ाई करने बैठोगे, ध्यान करने, प्राणायाम करने, अच्छा काम करने बैठोगे, आपने जो 4 घंटे 5 घंटे अभ्यास किया वही आपके दिमाग में उस वक्त आएगा, ऐसा बच्चा क्या पढ़ेगा? मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए, वो क्या देख रहे हैं हिस्ट्री चेक करिए, गलत चीज़ों को देखने से उनको रोकिए। इस वक्त जो समाज को गिराने के लिए इंस्टाग्राम खोला और अश्लीलता, सॉफ्ट पोर्न खुलेआम जो बिक रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ वियरिंग के नाम पर, इससे ज़्यादा गंदगी आज तक कभी भी किसी भी ज़माने में नहीं परोसी गई जिस गंदगी का हमारे बच्चे और आप सामना कर रहे हो। और अश्लीलता, नग्नता, गंदगी को देख के बच्चे का या बड़े के मन नहीं संभलते, अभी श्री जी बोलकर गए, बड़ों के मन नहीं संभलते ऐसी चीज़ें देखकर, तो ये बच्चों का तो क्या गुना दोष है? फिर भटकेंगे नहीं पढ़ाई से और अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, यही कारण है, यही जड़ है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम ये सेमिनार करने 5 लाख बच्चों को टच करने चले थे ना, मेरे पास एक लड़की आई थी, उस स्कूल की फीस ही मात्र 1.25 लाख रुपए है, बच्चे को स्कूल में ही बैग छोड़ के जाना है, ब्रेकफास्ट और लंच भी बच्चे को स्कूल में मिलता है, वहां पे मैं सेमिनार करके आई हूँ। उस स्कूल की एक लड़की मेरे पास आई, उसके शब्द आपको बताती हूँ, मैम माई कॉन्सेंट्रेशन लेवल हैज बीन रुइंड टू सच एन एक्सटेंट डेट नाउ आई कैन नॉट वॉच अ कंप्लीट यूट्यूब वीडियो विदाउट स्विपिंग। जो चीज मुझे मजा देती है, एंटरटेनमेंट देती है, ऐसे वीडियोस भी मैं टिक के नहीं देख पाती, वीडियो पूरा नहीं हुआ बदलो, फिर नहीं नहीं ये भी बदलो, ये बदलो, क्या मजा नहीं आ रहा, फ्रेंड से बात करो। मैंने कहा फिर बेटा पढ़ाई कैसे करती है? बोले पढ़ाई में भी यही होता है, इंग्लिश पढ़ने बैठूँ मन नहीं लगता, पानी पी के आती हूँ, फिर पढ़ने बैठूँ नहीं साइंस पढ़ लेती हूँ, अरे इंस्टाग्राम में 1 मिनट 5 मिनट नोटिफिकेशन चेक करूँ फिर करती हूँ, मन नहीं लग रहा कॉफ़ी पी के आती हूँ, मन नहीं लग रहा सोती हूँ, माइंड फ्रेश होगा फिर पढ़ूंगी। मैम ये चक्कर चलता रहता है, मेरा मन नहीं टिकता, मेरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनता, मेरी पढ़ाई नहीं होती, और ये मेरा 50% का रिजल्ट आया है इस बार, अब मुझे इससे बाहर निकालो, अब मुझे बचाओ मैम। मैंने कहा इसका कारण क्या है बेटा, खुद बता। बोले मुझे नहीं पता। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, सबके अंदर परमात्मा बैठा है जो बताता है कि ये तू गलत कर रहा है सही कर रही है, अब तू ही बता तेरी गलती कहाँ है। उसने कहा शायद ये मोबाइल कारण होगा। मैंने कहा कितने घंटे जाते मोबाइल में? उसने कहा 6 घंटे दिन के, और रात को जब तक मुझे नींद नहीं आती है तब तक मैं ऐसे देखती रहती हूँ, वो कब नींद आ गई, मोबाइल चालू रह जाता है, मैं सो जाती हूँ। अगर बच्चे इस तरीके से रातों को मोबाइल देख के सोएंगे तो दिमाग में रात भर वही चलेगा ना। रील्स सबसे खतरनाक चीज़ है सरन मैम, जब तक आपका बच्चा 20 साल तक का नहीं हो जाता अपने बच्चों को बचाइए। आप मेरे को एक मैडम बैठी हैं आज, जितनी भी लेडीज़ हैं आप मुझे बताइए, मैम हमने गैस चलाया, अभी हमने उस पर चावल पकाने रखे थे, चावल पके नहीं, अरे नहीं क्या पता दाल जल्दी पक जाए, आपने दाल का कुकर चढ़ा दिया, दाल में टाइम लग रहा है, 2 रोटी निकाल लेती हूँ, आपने 1 मिनट के लिए तवा रख दिया, ऐसी स्थिति में क्या दाल पकेगी, चावल पकेगा और रोटी पकेगी? बनने वाला, आप तो रसोई चलाती हैं, कुछ भी बनेगा खाने लायक? ये जो हम रील देखते हैं 30 सेकंड 40 सेकंड 50 सेकंड, अभी एक रील चलाई मोदी जी का भाषण, फिर स्विंग किया क्रिकेटर विराट कोहली, फिर स्विंग किया कपिल शर्मा हा हा कर रहा है, फिर देखा कोई अश्लीलता एक्ट्रेस का कुछ आया, फिर कुछ अलग अलग टॉपिक 15 20 25 40 सेकंड के, आपकी एकाग्रता एक विषय पर टिकी नहीं पाई, वो ग्रहण करे उसको समझे सोचे, अभी दिमाग सोच रहा होता है समझ रहा होता है आपने विषय बदल दिया, कोई मैच ही नहीं है। आप सोचो जब एक गैस पर ना चावल पकेगा 1 मिनट में, ना रोटी पकेगी ना दाल पकेगी, तो जब आप और हम, अभी हमने ये टॉपिक देखा रील में, अभी वो देखा, अलग अलग टॉपिक में दिमाग की हालत सोचो, 15 15 20 20 सेकंड अलग अलग टॉपिक पे टिक के असल में सबकॉन्शियस माइंड की ऐसी की तैसी हो जाती है। फिर आप देखते हैं
बच्चों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, अनिद्रा के रोग, घबराना, फिर जो जितना ज़्यादा मोबाइल देखता सुसाइड करने के विचार आना, ऐसे ही लोगों को आते हैं जिनको मोबाइल एडिक्शन है। उससे पहले आप अपने बच्चों को हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, संभालिए, बर्बाद होने से बचाइए, मोबाइल से जितना हो सके उन्हें दूर रखिए। और वो क्या देख रहे हैं, शार्प वॉच, स्ट्रिक्ट वॉच अपने बच्चों पे रखिए। अगर ये बच्चे बर्बाद हो गए तो दुख आपको ही होगा, पीड़ा हमें ही होगी।